Hallo Marcus, du. Hast du einen Präparator und Tricks für die Solitariums? Porch. Ist Part Kanabe und Tricks für die Solitariums? Ist Kasa Hitaka Prakar Hijuni? Leka Koklamit Park. Apni Parioki Kahani Suni Hogi? Pari Akash Mirati? Akash Mirti? Pari Kalpnik Patra? पर इस पाठ में सुनीता को अंतरिक्ष की परी कहा गया है जो एक हकीकत है क्योंकि सुनीता अंतरिक्ष यात्रा करके सकुशल पृथ्वी पर वापस लौटी है। इस पाठ में सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के बारे में, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड के बारे में, उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं है। आकाश के रहस्य को जानने के लिए कई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए। इनमें से भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स नामक महिला की सफल अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया गया। आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर काम कर रही हैं। अंतरिक्ष में भी महिलाओं ने कदम रखा है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनके पिता डॉक्टर दीपक भाई पंड्या गुजरात के थे। बाद में अमेरिका जाकर बस गए, इसलिए सुनीता पर गुजरात और भारत को भी गर्व है। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहियो अमेरिका में हुआ था। सुनीता बचपन से साहसी थी और उसे ऐसे ही खेल पसंद थे। 6 साल की उम्र में अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग को चांद से धरती पर उतरते देखा। तब से निश्चय किया था वह भी अंतरिक्ष में कदम रखेंगी। सुनीता ने मैसाचुसेट्स में शिक्षण और प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण यानी तालीम। अंतरिक्ष में जाने की इच्छा थी, इसलिए नासा जो वैज्ञानिक संस्था है अमेरिका की, उसमें वह गई। सुनीता ने अपने सहपाठी, सहअध्यायी, साथ में पढ़ने वाले मित्र के साथ शादी की। उसका नाम था माइकल विलियम्स। इसी तरह सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गई। 10 दिसंबर 2006 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता अपने 6 साथियों के साथ अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची। यह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा है। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर है। सुनीता ने 17 दिसंबर अंतरिक्ष में चहलकदमी यानी प्रचलन किया। अंतरिक्ष में सुनीता 194 दिन 18 घंटे और 98 मिनट अंतरिक्ष में रही। इस दरमियान उन्होंने ह्यूमन लाइफ साइंस यानी मानव जीवन विज्ञान, फिजिकल साइंस, पृथ्वी निरीक्षण, शिक्षा, टेक्नोलॉजी विषयों पर काम किया। अंतरिक्ष में सोना, खाना, लेटना मुश्किल है। शरीर का वजन कम हो जाता है। मांसपेशी और हड्डियों को नुकसान यानी क्षति पहुंचता है। अंतरिक्ष से पृथ्वी सुंदर दिखती है, वहां से विश्व बटा हुआ नहीं दिखाई देता। सुनीता 19 जून 2007 को अंतरिक्ष यान अटलांटिस द्वारा अपने साथियों के साथ सकुशल लौटी। सुनीता ने कई रिकॉर्ड किए।